हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं एज ए डॉक्टर नहीं बना रही हूँ, एज ए मदर बना रही हूँ क्योंकि आई हैव अ डॉटर ऑफ 16 ईयर्स। आपने उसको हमारे किसी वीडियोस में देखा होगा, विदिति नाम है उसका। जैसे कि हम आज पीरियड्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे साथ भी, मेरे साथ भी ये सीन था कि भाई हमारी बेटी को भी पीरियड्स आने हैं, तो हम उसको कैसे मेंटली प्रिपेयर करें, कैसे उसको बता के रखें कि पीरियड्स का कब ऑनसेट होगा। वी नेवर नोज़, हमें पता नहीं होता कि कब पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन बच्चा उस चीज़ को देखकर डरे नहीं, उस चीज़ को नॉर्मली ले, समझे और उस चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर किया जाए। और उसको पहले से यदि आप एजुकेट करके रखेंगे तो जब कभी भी पीरियड का ऑनसेट होगा तो डेफिनेटली शी कैन हैंडल दिस। तो जब बच्ची हमारी 13 साल के आसपास की थी तो उससे पहले ही हमने उसे पीरियड्स के बारे में बताया था, क्योंकि जैसे वो मुझे भी देखती थी, हमारे भी पीरियड्स आते थे तो कई चीज़ें हमारे ड्रेसिंग में उसको मिलती थी, तो वो पूछती थी कि मम्मा ये क्या है, ये पैड है या ये टैम्पून है, ये क्या काम आता है। तो उनको हमने बताया कि इस तरीके से हमारे बॉडी का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट है हमारी लाइफ का कि पीरियड्स का आना, जिसमें कि यूट्रस के द्वारा ब्लीडिंग होती है जो वजाइना के द्वारा बाहर आती है और वो एक ब्लड के रूप में दिखती है। 11 इयर्स के होने के बाद हमने उसको ये बताना शुरू किया था कि अब आपके हो सकता है कभी भी आपको इस तरीके से आपके पीरियड्स या मेंसेस आना शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे एक बेटा भी है, उसको भी हमने जब 11 इयर्स का हुआ तो हमने उसको भी गाइड करना, उसको भी बताना शुरू किया, क्योंकि वो भी घर में रहता है, उनके भी फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, तो उन लोग लड़कों की एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। विदिति को हमने ऑलरेडी बता रखा था, तो उसको ऑलरेडी पता था कि इस तरीके से पीरियड्स आते हैं और पीरियड के मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट्स भी हमने उसको बताया रखे थे। तो शुरू में हम उसको एक पैड ज़रूर देकर भेजते थे जब भी वो स्कूल जाती थी या कहीं बाहर जाती थी। बाहर मेरे साथ जाती थी तो आई एम कैरिंग और उसके भी बैग में हम लोग एक पर्स में ज़रूर रखवाते थे, ताकि कभी भी कहीं भी पीरियड्स अगर ऑनसेट होता है तो शी कैन यूज़ दैट। तो आप भी जब भी आपकी अगर बेटी टीनेजर हो या आपके पीरियड्स ऑनसेट होने वाले हैं तो आप अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखिए और उन्हें समझाइए कि इस तरीके की एक चीज़ होती है, जैसे कि यूट्रस से ब्लीडिंग हो सकती है जो वजाइना के थ्रू बाहर आती है, और यूरिन जहाँ से होता है उसके पास वाले हिस्से से ब्लीडिंग होती है। तो उसके लिए घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर ऐसी कोई स्थिति जब भी शुरू होती है तो अगर आप घर के बाहर हैं तो आप डेफिनेटली अपना जो पैड आपने उसको दे रखा है उसको यूज़ कर ले। आप उसको ज़रूर बताइए कि हाउ टू यूज़ द पैड, क्योंकि शुरू में टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना इजी नहीं होता। डे 1 पर वो नहीं यूज़ कर सकती, डेफिनेटली पैड आराम से यूज़ कर सकती है। और आप उसको बताएंगे कि उसको पेंटे के ऊपर किस तरीके से लगाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ताकि वो उसका प्रॉपर यूज़ कर सके। क्योंकि जब यदि ब्लीडिंग के कारण कपड़े ख़राब हो जाते हैं या बाहर स्टेन दिखते हैं तो बड़ी ऑड सिचुएशन होती है और बच्चा अनकम्फर्टेबल फील करता है, और इसके साथ ही बड़ी उसको थोड़ा सा अजीब सा भी फील होता है कि क्या नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। लेकिन यदि आपने उसको पहले से एजुकेट कर रखा होगा तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी और वो कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी। इसके साथ ही जब उसके पीरियड शुरू हो गए तो हमने उसको पीरियड के प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझाया कि टैम्पून्स भी यूज़ हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ हो सकते हैं, और पैड्स तो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं। आप अपने बच्ची को कपड़ा यूज़ करने की सलाह ना दें, क्योंकि कपड़े से बहुत सारी गंदगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और छोटे बच्चे कपड़े को धोना, करना और सुखाने जैसी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए डिस्पोजेबल आइटम इज़ ऑलवेज बेटर देन द रीयूजेबल आइटम्स। और इसी के चलते धीरे धीरे जब हमारी बिटिया ने टैम्पून्स को यूज़ करना शुरू किया तो उनके साथ कंफर्टेबल हो गई। वो जब लॉन टेनिस खेलने जाती है तो वो कंफर्टेबली खेल पाती है, क्योंकि उसमें पैड का खिसकने का या और किसी तरीके से मिसप्लेस होने का खतरा नहीं रहता है, और टैम्पून यूज़ करने से ब्लीडिंग बाहर नहीं होती है, तो किसी तरीके की और सिचुएशन दिखती नहीं है, और उसमें कंफर्टेबली वो उसको यूज़ करके अपना गेम्स को कैरी ऑन कर सकती है। आजकल के स्कूलों में स्विमिंग भी कॉमन होती है, स्विमिंग पीरियड्स भी होते हैं, और यदि अगर वो पैड यूज़ कर रही होगी तो उसे सबको बताना पड़ेगा कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं तो मैं इस चक्कर में स्विमिंग नहीं जा रही हूँ। तो हो सकता है कि बच्चा इसमें भी ऑड फील करे, तो अगर वो टैम्पून यूज़ करता है तो डेफिनेटली शी कैन गो फॉर द स्विमिंग ऑल्सो विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड शी कैन एन्जॉय द पीरियड और स्विमिंग क्लासेस एंड ऑल मस्ती विद द फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जब विदिति के पीरियड शुरू हुए तो कोई मूवी देख रही थी और आई वॉज नॉट एट द होम, तो शी इज़ कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी, बट समहाउ आई वॉज इन द ऑपरेशन थिएटर, तो आई कैन नॉट टेक अप हर फ़ोन। लेकिन जब बाद में मैंने फ्री होने के बाद उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि इस तरीके से उसके अभी उसको ब्लीडिंग दिखाई दी है और उसने वो पैड यूज़ कर लिया है। तो वो घबराई नहीं, डरी भी नहीं और उसे पहले से बताया हुआ था, इसलिए उसने उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया गया। और बीइंग अ डॉक्टर मदर, वो डेली कुछ कुछ बातें इस तरीके की सुनती रहती है कि किसी लेडी के पीरियड हैवी आए हैं, किसी के कम आ रहे हैं, तो बहुत सारे डिस्कशन घर में चलते रहते हैं। तो शी इज़ वेल एजुकेटेड इन दीज थिंग्स। वो एक प्लस पॉइंट है कि डॉक्टर की बेटी होने का, बट एज ए आम लेडी और आम मदर, जनरल मदर, आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती हैं। और जब आपके पीरियड शुरू होते हैं बच्ची के, तो एक बार मैं ज़रूर बोलूँगी आपको कि एक विज़िट आप गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर करवा दीजिए, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो एज अ लेमैन, एज अ मदर आप पूरे आंसर नहीं कर पाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके और बच्ची के बीच में इतने रिलेशन डेवलप नहीं हो पाते, इतने फ्रेंडली ओपननेस नहीं होती कि वो बहुत सारे सवाल या बहुत सारी क्वेरीज जो होती हैं वो आपसे पूछ सके। तो ऐसे स्थिति में यदि आप उसे एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से मिलवा देती हैं, कंसल्टेंसी करवा देती हैं, तो डॉक्टर उसको प्रॉपर जवाब देने से एक तो सारे मिथ उसके दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके भी दिमाग में कई सारे मिथ हैं, बहुत सारे टैबूज चले आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में श्योर नहीं हैं, लेकिन वो सारे रिचुअल्स और वो सारे मिथ आप आगे भी कैरी ऑन करना चाहते हैं अपने बच्चों के द्वारा, अपने बच्चे पे भी आप वही चीज़ अपनाना चाहती हैं। बट आजकल की जनरेशन थोड़ी स्मार्ट जनरेशन है, तो वो विदाउट किसी लॉजिक के कोई चीज़ एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, और ऐसी स्थिति में आपके और आपके बच्चों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा मैटर करती है, और जब उसके सारे सवाल के जवाब उसे मिल जाएंगे तो उसे किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, वो अपने काम में फोकस कर पाएगी, अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाएगी, अपने खेल पे फोकस कर पाएगी और अपनी लाइफ में अपने गोल्स और टारगेट को अचीव कर पाएगी। और उसमें किसी प्रकार का हेजिटेशन या किसी प्रकार की लो फीलिंग नहीं होगी कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं और इट इज़ समथिंग एबनॉर्मल और इट शुड नॉट बी हैपन और हाउ शुड आई हैंडल दीज थिंग्स। सो दीज आंसर्स ईजिली कैन बी गिवन बाय अ डॉक्टर, जो कि आराम से बच्चों को समझा भी सकती है, क्योंकि एक डॉक्टर एक मदर भी होती है, उसके भी घर में बच्चे होते हैं, जो अपने बच्चों को भी समझाती है, तो आपके बच्चों को भी अच्छे से समझा सकती हैं। और यदि आप अपने बच्चे को एजुकेट करते हैं तो आप आगे की पूरी पीढ़ी को एजुकेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स ऐसी हों जो अपनी मदर से नहीं डिस्कस कर पा रही हों, तो आप उसको एजुकेट करती हैं तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी वो एजुकेट कर पाएंगी, क्योंकि पीयर ग्रुप में तो ये सारे डिस्कशन कॉमन होते हैं कि कब किसके पीरियड आ रहे हैं, कब किसके हैवी हैं, कब किसके पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे डिस्कशन आम है। लेकिन यदि किसी एक को भी नॉलेज होगी तो सबको सही राय देगी, सही डिस्कशन, सही ओपिनियन जाएगी, तो आगे समाज में एजुकेशन इनकलकेट होती है। आपका एक सही डिसीजन आगे की पूरी प्रथा चेंज कर सकता है और टैबूज पे स्टॉप लगा सकता है, मिथ्स को अवॉइड कर सकता है, फैक्ट्स को फील्ड में ला सकता है, फैक्ट्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की फ्रेंड बनिए, उनसे पूरी डिस्कशन कीजिए, ओपन डिस्कशन रखिए और किसी चीज़ पर हिचकिचाइए नहीं। और यदि आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कम है तो हमारी सहायता ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच।